जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त हाटिया विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेरे साथ देखिए दो मुस्लिम भाई है। मुस्लिम भाई इस बार क्या सोच रहे हैं हाटिया विधानसभा को लेकर, हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग का पद भी थोड़ा बता दीजिएगा, नाम भी बता दीजिएगा। जोहार रहेगा। जोहार आपके माध्यम से। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, हाटिया विधानसभा का अध्यक्ष है। अब वर्तमान में आपको वर्तमान में भी हम हाटिया विधानसभा प्रभारी बनाएंगे। प्रभारी बनाएंगे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हाटिया विधानसभा जनता को, पूरे राज्य के जनता को बता दीजिए। आप मुस्लिम भाई, मुस्लिम होकर आप क्या सोच रहे हैं? मुस्लिम है तो मुस्लिम को तो सारे लोग, देखिए जितने भी पार्टी के लोग हैं, आज तक मुस्लिम को सिर्फ ठगने का काम किया, खाली वोट बैंक सब। तो इस बार सारे दलों को जयराम दा का कैंची चलने का काम चलेगा और जीतने का काम चलेगा हम लोग का। क्या कुछ मुद्दा लेकर आप लोग जनताओं के बीच जा रहे हैं? मुद्दा क्या 365 मुद्दा है देखा जाए तो। क्या मुद्दा चाहिए आप बोलिए, क्या मुद्दा नहीं है वो बोलिए आप। आदमी रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं? रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं? रोजगार के लिए पलायन बोलिए, पलायन कितना है रांची? बाहर से जो आ रहे हैं, पूरे राज्य से चलिए रांची में आते हैं सब काम करने के लिए मजदूर लोग, ठीक है। वो लोग अपने क्षेत्र में काम नहीं मिल रहा। अब यहाँ के जो पढ़े लिखे हुए हैं बाहर जा रहे हैं शिक्षा प्राप्त करने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यहाँ प्रोवाइड करवाइए। वो सब मुद्दा रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और शिक्षा का रहेगा। युवाओं का जो यहाँ पर आउटसोर्सिंग का जो काम देख रहे, जो हम लोग यहाँ अगर रह के नौकरी पाने के लिए तरस खा रहे, बाहर से लोग आ रहे हैं। जी बताइए, आप लोग युवा नेता दिख रहे हैं जी, और पढ़ाई लिखाई छोड़ के नेता में कहा आ गए जी? जयराम दा का कहना है वो नेता बनने नहीं आए, वो बेटा बनने आए, और हम लोग का टीचर है वो, एक तरह से देखा। वो सिखा रहे हैं कि तुम लोग को भी राजनीति में आओ और अपना हक छीन के लो, राजनीति हक आधार के लिए। राजनीति में कोई आता नहीं, मजबूरी आना पड़ता है। सत्ता में जो रहने वाले लोग वो जब सवाल नहीं सुनते हैं, हमारा मसला का हल नहीं करते हैं, तो हमको उनके बराबर खड़ा होकर उनका अपना अधिकार छीनने का मौका दिए, वो रास्ता दिखा। इसलिए हम लोग राजनीति में आए हैं। न तो किसी का शौक नहीं है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के यार ये सब छोड़ के अपना अधिकार के लिए आए। ठीक, आप अपना नाम बता दीजिए, बता दें। मनोज दा, सबसे पहले आपके दर्शकों, तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार रहेगा, हमारा आदाब सलाम रहेगा। मैं अरशद अली उर्फ सोनू हटिया विधानसभा एवं जिला रांची का सचिव हुआ, और मैं अपने पार्टी का जेलकम का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हम लोगों को जो है चुन करके लाने का काम किया। राजनीतिक में आने का कोई हम लोगों का इरादा नहीं था, मगर जो सिस्टम आज चल रहा है झारखंड में, तो सिस्टम जब अगर सही होता तो हम लोग आज पढ़ाई लिखाई करते रहते, अपना जीवन में व्यस्त रहते। बट वो सिस्टम को देखते हुए हम लोग को आने का दरकार पड़ा, इसमें ज़रूरत पड़ा। अब हम लोग हटिया के मुद्दे में आते हैं, तो जो हमारे नवीन जायसवाल जी, आदरणीय नवीन जायसवाल जी है, और हमारे अजय नाथ सहदेव जी हैं, आदरणीय अजय नाथ सहदेव जी, उन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि एक कांग्रेस मुस्लिम भाग में बट गया है और बीजेपी हिंदू भाग में बट गया। अब हिंदू भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा और मुस्लिम भाइयों से कि अब ये दोनों से अब हट करके एक तीसरा पार्टी, जेलकम पार्टी आप लोगों के समक्ष आ चुका है, और ये तीसरा ऑप्शन आ चुका है। क्योंकि हम लोग पहले भी देखे हैं, जो संसद का जो चुनाव हुआ है उसमें आदमी विकल्प खोज रहा था कि हमारे पास कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो हम मुस्लिम कैंडिडेट तक आज तक नहीं दिया गया। हाँ, और सबसे पहली बात है कि ये पहला इतिहास में होगा कि ये दो सालों से उभरी हुई पार्टी है और इन्होंने सबसे पहला काम हटिया में जो है मुस्लिम कैंडिडेट देने का काम किया। इसको मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तमाम हमारे जितने भी संगठन के पदाधिकारी है एवं हमारे सुप्रीमो का भी हम आभार प्रकट करते हैं। मुद्दा का बात रहा है कि हटिया में मुद्दा क्या है। अब हटिया में मुद्दा का बात यह है कि जब वो लोग चुनाव जीतते हैं, क्योंकि मैं भी कभी आसू का कार्यकर्ता रह चुका हूँ, कभी कांग्रेस का कार्यकर्ता रह चुका हूँ, और ये दोनों कैंडिडेट के लिए मैंने काम किया, अपना सहयोग दिया, योगदान दिया है। मगर बट उस टाइम से जब इन लोग चुनाव के घड़ी आती है या चुनाव जब आती है, तो ये लोग तो भैया बाबा बोल करके चुनाव का वोट लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद 5 साल तक भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, इवन यहाँ तक आपका नाम भी नहीं जानते हैं। समस्या तो दूर की बात है, जैसे रोड के बात करते हैं कि रोड बना दिए हैं, गली बना दिए, ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं। अजय नाथ सहदेव जी कहते हैं कि हम तो जनता के बीच में जाते हैं, रहते हैं, हमने तो भैया नहीं देखा। अगर यदि आप आते और जाते और करते
तो हम लोगों को आने का राजनीतिक में कोई जरूरत ही नहीं था। इस बार बहुत ही जोरदार मुंह तोड़ जवाब हटिया की जनता देने जा रही है बीजेपी को और कांग्रेस को। अब ये लोग भूल जाए धर्म की राजनीति करते हुए, क्योंकि बीजेपी भी धर्म की राजनीति करते हैं। हाँ, बीजेपी भी धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस भी करती है। सबसे ज्यादा छल अगर कोई किया है मुसलमानों के साथ तो वो कांग्रेस की है। और इन लोगों का कहना है कि हमको तो मुस्लिम वोट बैंक है, हमारा मुस्लिम वोट बैंक है, हमको तो कांग्रेस में देना ही देना। अब वो लोग जाएगा कहाँ? उन लोगों के पास तो कोई विकल्प नहीं था, मगर सोनू और पिक्की जो है हटिया में विकल्प उतार दिए। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना माई माटी का बेटा है, अपना भविष्य को हम लोग को जो अंधकार में ढकेल दिया गया था उसको उजागर करना, अपने बच्चों को भविष्य को उजागर करना है, शिक्षा नीति, स्थानीय सब नियोजन नीति में बात करना है, रोजगार में बात करना है, तो कैंची में आपको आना पड़ेगा। कैंची इस बार चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कैंची चलेगा भी और काटेगा भी। दोनों को काटेगा, हाथ को भी काटने का काम करेगा और फूल को भी काटने का काम करेगा। और मैं एक और अहम मुद्दा बता दे रहा हूँ कि मैं जहाँ जिस स्थान से बिलोंग करता हूँ, जो स्थान है हमारा डोंडा क्षेत्र, वहाँ का जो है लीज मामला है जो कि 100 सालों से पेंडिंग है, उसको हम लोग लीज मुक्त कराने का काम भी करेंगे। हमारे सरकार जैसे ही सत्ता में आती है हम लोग लीज मुक्त काम करवाने का काम करेंगे। दूसरा मुद्दा हम लोगों के पास है कि जनता बाजार डोंडा बाजार, जिसको आज से बीजेपी का शासन हो या कांग्रेस का शासन हो, जिसका भी शासन हुआ, वो डोंडा बाजार को जिस समय से आपका अतिक्रमण करके हटा दिया गया है, इसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पर चली गई थी और उससे बहुत इफेक्ट हुए थे सबके, जिनके जिनके दुकान टूटे थे, हटाया गया था, उनके फैमिली को बहुत इफेक्ट पहुंचा था, इससे पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया था। उसको हम लोग सबसे पहले पुनर्वास करवाएंगे, दुकान सब दुकानदारों को दिलवाएंगे, ये हम लोगों की पहली प्राथमिकता होगी हटिया विधानसभा क्षेत्र। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समझने। आपके लिए भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। बस अब जनता समझे हम लोगों को बातों को, हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले बच्चा थे मगर हम लोगों को राजनीतिक में मजबूरन आना पड़ा, ये दोनों का राजनीतिक देखते हुए। ठीक, जोहर। देखिए उसका वीडियो दिखा। हाँ।